परमात्मा का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री राम जी का। सारी दुनिया ने खुशियां मनाई। बचपन बाल चरित्र बहुविध कीने, सकल नगर वासिन सुख बीने। बड़े हुए गुरु माता गुरु पिता माता ने जनेऊ प्रदान किया। महाराज गादी सुगन विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने गए। रास्ते में अहिल्या को तारते हुए जनकपुरी में पहुंचे, सीता जी से नाता जोड़ के आए। राज तिलक की तैयारी हो गई थी, वनवास हो गया। भरत जी मनाने के लिए गए, लेकिन दृढ़ संकल्प पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। पिता राम जी के वियोग में सुरपुर चले गए, भगवान लौट के नहीं आए। सीता जी का हरण हुआ, रावण का वध करके लौट के आए, राम राज की स्थापना हुई। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भगवान ने बड़ी सुंदर चरित्र किए। भगवान चार भाई, चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए, सीता मैया के लवकुश और लक्ष्मण जी के अंगद और चित्रकेतु, भरत के लक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न के सुबाहु और सुति। इस प्रकार इस वंश में और भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन अब चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। एक बार वो लोग बांके बिहारी लाल की जी। इस कुल में चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए महाराज जिनका विवाह उर्वशी से हुआ महाराज। तो इस प्रकार से आगे चलते चलते इसी कुल में बड़े बड़े राजा हुए। जिन राजाओं की कथा अगर मैं करूं तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा। विश्वामित्र के वंश में बहुत सारे राजा हुए। महाराज परशुराम जी का भी जन्म इसी कुल से संबंधित है। महाराज ययाति की कथा आती है, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। परिस्थिति वश हुआ, देवयानी को श्राप लगा था, इसलिए विवाह उनके साथ में हुआ। ययाति के बाद में जो ज्ञानपुर तो हुआ तो उन्होंने घर त्याग दिया। महाराज दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से भारत वंश नाम पड़ा है। इसी में बड़े दानी राजा रंतिदेव हुए, पांचाल कौरव मगधदेश आदि के राजा हुए, और मथुरापुरी में राज्य था श्री महाराज सूरसेन जी महाराज का। बड़े उग्रसेन सूरसेन दोनों भाई थे, बड़ा सुंदर मथुरापुरी थी। यूं तो मथुरापुरी सूर्यवंश की बसाई हुई थी, लेकिन आज चंद्रवंश का अधिकार है इस पर। श्री राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु, कथितो वंश विस्तार भवतां सोम सूर्य राजां तो वंशाराम चरित्रम परमाद्भुतम। बड़ा सुंदर सूर्य और चंद्रवंश का आपने वर्णन किया महाराज। अब कृपा करके मुझे उनकी कथा सुनाई है, जिन्होंने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से मुझे बताया प्रभु। अब तीर यदो मन से भगवान भूत भावना त्रत्रा सेनावतीर्ण विष्णु वीरान संसन। मेरी सारी संशयों को दूर करते हुए बताओ, नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ प्रभु, ये कृपा कृपा के हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है, अब सुनिए मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। उग्र सेन सुत कंस सत्य प्रिय चिकीर्षता और रश्मीन हयानाम जग्राह रोमणे रथ सतैव्रता। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह
किसके साथ हुआ था? वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी लेने के लिए आए थे देवकी को। देवकी विदा होके जा रही थी। बहुत सारे दास दासियां, घोड़े, हाथ, पालकी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात बहुत कुछ दान दिया था। बड़े प्रेम से कंस अपने हाथ से रथ की लगाम पकड़ करके स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था। उसी समय क्या होता है सुनिएगा। पति प्रकरणं कंसां मा वाचा अशरीरवान् अस्मा अष्टमो गर्भो हन्ताया वहसे बुध। बिना शरीर के वाणी यानी आकाशवाणी हुई। क्या वाणी हुई है कंस? जिस देवकी को तू इतने प्यार से ससुराल ले जा रहा है उसी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। कंस कहने लगा ये क्या बात मेरे कान में पड़ी, जरा सच है तो एक बार फिर से हो। फिर आकाशवाणी हुई है कंस जिस चचेरी बहन को आप बड़े प्रेम से ससुराल भेज रहा है उसी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। एक बार बोलो वाके हरी लाल की जय। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं राक्षसों को काल का बड़ा भय होता है क्योंकि वो सामग्री नहीं इकट्ठी पार कर पाते हैं जिससे वहां जाएं तो उजला मुख भगवान को दिखा सके, इसलिए भय होता है। अब तो कंस ने अपना खड्ग निकाला, देवकी के केस पकड़े, मार डालने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी महाराज ने रोक दिया और कहा नहीं राजन, आप भोजवंशी हैं, ये भोजवंश में पैदा हुए। महाराज भोज की बड़ी प्रथा है, बड़ी कहानी है, बड़ी सुप्रसिद्ध प्रसिद्धता है, इसलिए कहा आप भोजवंशी हैं, पहले तो आप ये बहन है, दूसरे नवविवाहिता है, आप इसको कैसे मार सकते हैं? लेकिन कंस नहीं माना। आखिरकार उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई उपाय ऐसा करना चाहिए, होनी टल जाए, इसलिए उन्होंने पूछा एक बात बताओ कंस, आपको बैर इससे है या इसके बच्चों से है? कि है तो बच्चों से, तो मैं वायदा करता हूं जो भी संतान होगी मैं तेरे अर्पण करता जाऊंगा, फिर तू जाने तेरा काम जाने, कि ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी जेलों में रहेंगे बच्चे, मेरी कस्टडी में, मेरी जेल में पैदा होंगे। वसुदेव ने स्वीकार कर लिया, हथकड़ी डाल दी, दोनों की जेल में डाल दिया। पहला बच्चा देवकी के पैदा हुआ। बच्चे को लेकर के वसुदेव जी अपने प्रण के अनुसार आए, कंस से कहा ये हमारा पहला संतान है। कंस ने कहा राजन ले जाइए इसको, मेरा बैर तो आठवां पुत्र है, पहला नहीं है। वसुदेव जी ले गए। देवकी को पता तो था कि मानेगा नहीं दुष्ट, मेरी गोदी में कमल खिलने नहीं देगा, फूल खिलने नहीं देगा। देवकी ने स्तनपान कराया, बड़ा लाड़ प्यार किया। इतने में ही क्या हो गया, नारद जी चले आए। श्रीमन नारायण नारायण भजमन कर लीजिए। भगवान आने वाले हैं, सावधान हो जाइए। नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कंस देवकी का पहला संतान तूने मार दिया। कि नहीं प्रभु, मेरा तो आठवां काल था। नारद जी कहने लगे तुझे पता है देवताओं की गिनती कहां से शुरू होती है? ये अष्टमुखी रुद्राक्ष है, इसमें कौन सा पहला कौन सा आठवां है? यहां से गिनेंगे तो कोई भी आठवां हो सकता है, यहां से गिनेंगे तो कोई। ये देवता उल्टी भी गिनती गिन लेते हैं, सीधी भी गिनती गिन लेते हैं। अब राक्षस की बुद्धि को भ्रमित करने में देर क्या लगती है?
राक्षस की बुद्धि भ्रमित हो गई, दौड़ा गया, जेल से छुड़ाया, देवकी रोती रही, पटक के मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा मार दिया। सातवां पुत्र जब गर्भ में भगवान शेषनाग आए तो भगवान ने कहा अपनी योग माया से, हे योग माया तुम जाओ सातवें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में धारण करो और आप जो है यशोदा के गर्भ से जन्म लो और मैं आठवें बालक के रूप में अवतार लेकर के देवकी के गर्भ से आ रहा हूं। भगवान के कहने पर योग माया ने ऐसा ही किया, देवकी का सातवां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को यह हो गई कि भाई देवकी के तो भाग्य ही खराब है, छह बच्चे तो मार दिए जो है कंस ने और सातवां गर्भ गिर गया। परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं आइए एक तत्व बताते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, हो बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। तो आठवें गर्भ के रूप में पधारे, वेदों ने स्तुति की, भगवान देवताओं ने सभी ने स्तुति की गर्भ की। यहाँ गर्भ की स्तुति होती है और कहीं गर्भ की स्तुति नहीं होती। तो आइए भगवान खुद ही प्रकट हो गए, समय हो गया है। वो रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, अष्टमी भादों की कृष्ण पक्ष की, उधर चंद्रमा का उदय, इधर भगवान का प्राकट्य, बधाई बोलेंगे हमारे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा।
जुगली बाकी बिहारी लाल की। आप अपनी जगह पे खड़े होकर हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं भगवान को। देखिए जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चे का उत्सव होता है तो नाच करके हाजिरी लगाते हैं, आप लोग भी नाच करके हाजिरी लगाएंगे। और एक छोटा सा भजन श्री राधे
सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। हिंदुस्तानी बनने जाओ, हिंदुस्तानी बनने जाओ, हिंदुस्तानी बनने जाओ।